बहू, ओ बहुरिया, अरे बहुरिया, अरे थोड़ी नेक चाय बना के दे दो बहुरिया। आजकल की बहुरिया ऐसी होत होंगी, सास उठ जाते हैं सो के और बहुरिया सोत रहते हैं 8-8 बजे तक। बताओ जे जवानों आ गए हो, पहले के ज़माने में बहुएँ 4 बजे उठ जाती हैं और अब के ज़माने में बहुएँ 8 बजे तक सोत रहते हैं और सास उठ उठ कर अपना बैठ जाते हैं और बैठे हैं। बताओ बहू लेटी होंगी, सास बैठी हैं चाय कलर, जे जवानों आए गो है वो चाय हमें नेक जल्दी से बना के दे दो बहुरिया। माँ जी जी, माँ जी अभी दे रही हूँ मैं, पता नहीं इतनी कोशिश करती हूँ कि सुबह को मैं जल्दी उठूँ, पता नहीं क्यों मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि काश मैं कोई मम्मी जी को कोई भी मौका ना दूँ ऐसा कि वो मुझसे नाराज़ हों, गुस्सा हो, लेकिन पता नहीं क्यों सोती हूँ और ऐसे सपने आ जाते हैं मुझे कि मेरी आँख ही नहीं खुलती है। मैं मम्मी जी को चाय बना के देती हूँ। मम्मी जी आपकी चाय। हाँ लाओ बहुरिया चाय, थोड़ा सा जल्दी उठ जाए करो बहुरिया। हैं हम कब से बैठे बैठे चाय को वेट कर रहे हैं और तुम हो कि सोए रही होगी। आजकल की बहुओं का कोई वो ना आएंगी, आजकल की बहुएं सोती रहती हैं। बताओ 9 बजे चाय मिल रही है हमको, चलो जाओ अब यहाँ से, हम तनिक चाय पी लें और फिर वहाँ पर कपड़ा रखे होंगे बताए बनाए के रख दो जरा जाए के। जी मम्मी जी हम जा रहे हैं और कपड़े अभी तय बना के रख देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी खुश रहें मुझसे और मैं उनको कोई भी शिकायत का मौका ना दूं। प्लीज़ भगवान जी मुझे कुछ रास्ता बताओ, मैं बस सुबह को जल्दी नहीं उठ पाती हूं। मैं बहुत कोशिश करती हूं कि मैं सुबह को जल्दी उठूं लेकिन नहीं उठ पाती हूं। भगवान कुछ रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं, मम्मी को खुश कैसे रखूं। मैं चाहती हूं कि वो मुझसे खुश रहें, मुझसे प्यार से बात करें और अपनी बेटी की तरह मुझे समझें। तो भगवान जी प्लीज़ आप मुझे बताओ इतना कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं तो पूरी कोशिश करती हूं अपनी तरफ से कि मैं मम्मी को खुश रखूं। अरे बहुरिया कहाँ है, कहाँ मर गई बहुरिया? अरे मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत तेज से बहुरिया, और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा आज, मैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। मेरी लौड़िया होती है भाई तो देख लेती बहुरिया कहाँ गई, मेरी लौड़िया भी ना आए हैं। माँ को भी मैंने कही फ़ोन करी कि लौड़िया मेरी तबीयत ना सही है तू आ जा, लेकिन माँ बोली कि अरे मम्मी मैं कैसे आ जाऊं, अपने ससुराल छोड़ के तुम्हारी बहू है वा देखेगी, अब मैं ज़िंदगी भर तो मैं थोड़ी ना देख सकता हूँ, अपने ससुराल देखूँगी तो मैं देखूँगी। अरे बहुरिया जल्दी आ जा, जल्दी से मेरे सर दबा दे थोड़ा सा, बहुरिया पैरों में दर्द है कोई दवाई दे दे जल्दी बहुरिया। जी मैं दवाई दे रही हूँ अभी आपके लिए, आप ये वाली ये दवा खा लीजिए माँ जी और इससे आपकी तबीयत सही हो जाएगी। माँ जी अभी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप ये दवा जब तक खा लीजिए। अरे दही अरे ये दर्द का करेगो, कतई मार डालो ये दर्द ने दही अरे। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, अपने अभी टैबलेट खाइए ना, ठीक हो जाओगे आप अभी। अरे बहुरिया बताओ, अभी भी बहुरिया हमारे पैर दबा रही है और पैरों के पास सोए गई, और बताओ हम बहुरिया को गलत समझते रहे और लौड़िया का पक्ष लेते रहे, आज हम बीमार पड़े तो लौड़िया ना ही आई और बहुरिया ही नहीं हमें देखो, हे भगवान हमसे का होएगा। बहुरिया हमें माफ़ कर दे बहुरिया, हमसे गलती हो गई और हमने तुझे समझो ना है, अपनी लौड़ियन के पीछे जाते रहते और आज लौड़ियाँ ही ना समझ रही हैं बहू समझ रही, माफ़ कर दे हमें, माफ़ कर दे बहुरिया। अरे नहीं मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगो मम्मी जी,
मेरा तो फर्ज है सब करने का, आप ऐसा मत सोचो मम्मी जी, माफ़ी मत मांगो, और मैं हमेशा आपकी सेवा करूँ। मैं तो बस चाहती हूँ आप खुश रहो, बस थोड़ी सी मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको खुश रखूँ, और आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो बड़ी हो मम्मी जी, आप प्लीज़ ऐसा मत करो, माफ़ी मत मांगो। हेलो एवरीवन, और आज का जो टॉपिक था सास बहू का, तो बस मैंने छोटा सा आज फनी मनोरंजन वीडियो बनाया है, उससे एक सबक भी मिलता है कि जो भी सासें हैं, मतलब लड़की लड़की करती रहती हैं, लड़की करो माना कि लड़की जिंदगी भर, लेकिन ससुराल में उनको शादी करके एक ना एक दिन ससुराल जाना ही है, तो बहू ही देखती हैं सास को ससुर को। अगर आप अपनी बहुओं को बेटी की तरह समझोगी तो बहू भी आपको समझेगी। तो बस आज की वीडियो से यही सीख मिलती है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं कोशिश करती रहूँगी कि मन ऐसी वीडियो मैं बीच बीच में लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।